Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good, and you also have seen on my channel that I have recently uploaded share with you the new scheme of our paper pattern, which was released by Sinboard, and that was the 40% MCQs. So उसको अगर देखा जाए तो हमारे काफ़ी हमारे लिए आसानी हो गई है. बेसिकली एम सी क्यूज़ 40% हो गए, इट मीन्स के 39 हमारे पास एम सी क्यूज़ बन रहे हैं. देन जो है वो अगर इकोनॉमिक्स का देखा जाए भी तो बहुत कम हो गया, लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दो ही क्वेश्चन है उसमें, बट एम सी क्यूज़ 40 हो गए हैं, तो काफ़ी चांसेज हैं हमें. अब पासिंग मार्क्स तो हम ईजीली ले सकते हैं, बट अगर थोड़ी और एफर्ट्स किए जाएँ तो और अच्छे हम मार्क्स ले सकते हैं. ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर. जो आज हम जो है वो इकोनॉमिक्स करेंगे. इकोनॉमिक्स में हमने जो है वो इससे पहले चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, मनी एंड इट्स फंक्शन. तो हमने पहले बार्टर सिस्टम कवर किया था, उसकी डिफ़िकल्टीज वगैरह, फिर काइंड्स ऑफ मनी वगैरह की थी. अब हम करेंगे मनी की डेफिनेशन. ठीक है, पहले तो मनी की डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके बाद मनी के फंक्शन वगैरह भी होते हैं. इसीलिए मैंने डेफिनेशन को थोड़ा पीछे रखा था, ताकि जो वो जैसे हम डेफिनेशन कवर करें तो डेफिनेशन में हमारे जो है वो सारे जो वो उसके फंक्शन है वो भी वहीं से निकलेंगे, वो भी हम कवर कर लें. ठीक है, तो मनी की पहले हम देखते हैं कहाँ से वर्ड लिया गया वगैरह, फिर उसके बाद हम आगे इसको बढ़ेंगे. ठीक है, मनी बेसिकली हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है. ठीक है, जिसका है मोरेटा. ठीक है, ये वर्ड जो है बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका जो है वो लैटिन वर्ड मोनेटा से लिया गया है, बेसिकली वर्ड मनी. अब ये मोनेटा क्या है, ये जो बेसिकली उनके जो वो ग्रीक्स वगैरह वाले को उनके किसी जो है वो गोल्ड्स वगैरह इस टाइप होते हैं उनका नाम वगैरह था, वहाँ से फिर उन्होंने जो वो लैटिन वर्ड से लिया गया. बेसिकली हमारे पास जो मनी है वो इंग्लिश का वर्ड है. ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है हमारे पास लैटिन, लेकिन वो ड्राइव कहाँ से किया गया, लैटिन वर्ड से हमें जो है वो इस वर्ड को लिया गया है. ठीक है, ये तो बेसिकली एक थोड़ा सा इंटर था वो हो गया. ठीक है, अब उसके बाद है डेफिनेशन. मैं बेसिकली तीन डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूँगा. ठीक है, तीन डेफिनेशन मनी की शेयर करूँगा, जो कि है, पहली है हमारे पास ए वॉल्कर. ए वॉल्कर कहते हैं मनी इज व्हाट मनी डस, मनी इज़ व्हाट मनी डस. ठीक है, पहले जो है वो ए वॉकर आए, उन्होंने जो अपनी डेफिनेशन एक पेश की. ठीक है, इसी तरह दो और हम पढ़ेंगे जिनके बारे में जो उन्होंने डेफिनेशन, दो डेफिनेशन और पढ़ेंगे, फिर उसमें जो है वो आपको अगर वो एग्जामिनर डेफिनेशन पूछता है, बेसिकली ये होता है ना, एक डेफिनेशन आती है फिर उसके बाद दूसरी फिर तीसरी, ताकि एक होती है फिर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर दूसरी बनाई जाती है फिर तीसरी, तो एक फिर जाके अप्रोप्रिएट हमारे पास डेफिनेशन आती है, उसको हम फॉलो करते हैं. ठीक है, तो ये ए वॉकर आए, ए वॉकर कहते हैं कि मनी इज़ व्हाट मनी डस, कहते हैं एनीथिंग दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इज़ अ मनी. वो कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो मनी वाला काम करती है वो है मनी हमारे पास. ठीक है, जैसे कि मनी चीज़ों को लेने, किसी की वैल्यू मेजर करने में काम आती है, तो ऐसी कोई चीज़ है जो मनी, जो किसी चीज़ की वैल्यू मेजर कर रही है वो मनी है. मनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, कोई ऐसी चीज़ है जो किसी की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है वो भी मनी है. ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम जब बार्टर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें भी तो चीज़ें हम दे के दूसरी चीज़ें एक्सचेंज कर रहे थे, चीज़ें ले रहे थे ना, तो वो भी तो मनी का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, फिर वो मनी कैसे नहीं है, वो भी मनी होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है मनी. क्यों? क्योंकि आगे डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊँगा आपको कि वो क्यों मनी नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली पहले वो कर रहा है, उन्होंने डेफिनेशन दी मनी इज़ व्हाट मनी डज, कोई भी चीज़ जो मनी का फंक्शन परफॉर्म करती है वो मनी है. ये याद रखिएगा वर्ड, कोई भी चीज़ जो मनी का फंक्शन परफॉर्म करती है, फंक्शन. ठीक है, आगे क्योंकि हमें फंक्शंस भी पढ़ने हैं तो वो भी हमें जो है वो उसको भी देखना होगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर कैंट ने कहा था कि एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड as a medium of exchange and standard of value.
ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर केर्न हमारे पास आए, उन्होंने हमें जो है एक डेफिनेशन दी, जो डेफिनेशन उन्होंने क्या किया कि एनी थिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, हर बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी फंक्शन है मनी के, ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी में आएगा। कोई भी चीज़ जो की जाए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, कि उसकी जो वो एक वैल्यू हो जो किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करता हो, ठीक है ना। जैसे हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था उसमें हमें क्या होता था, एक डिफ़िकल्टी होती थी किसी भी चीज़ की मेजर करना, किसी की भी चीज़ की वैल्यू मेजर करना। जैसे कि अब राइस है और दूसरे बंदे के पास वीट है, अब मुझे क्या पता कि उसकी राइस की वैल्यू क्या है, या वीट की वैल्यू ज़्यादा है या राइस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास फिर मनी है, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया मनी जिसके थ्रू हम हर किसी की आज भी वैल्यू मेजर करते हैं कि इसकी 10 रुपीज़ वैल्यू, इसकी 100 रुपीज़ वैल्यू, इसकी 200 है, 1000 है, ईजिली हर कोई इससे बाय कर सकता है, ठीक है ना। पहले ये बहुत मुश्किल होता है। तो प्रोफेसर कैंट कहते हैं एनी थिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, जो वाइडली एक्सेप्ट की जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, उसको दो और आप उससे कोई चीज़ ले रहे हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, ठीक है ना, आप कोई दे रहे हो और वो ले रहे हो, एंड स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, अब वो किसी चीज़ की वैल्यू वगैरह की मेजरिंग मेजरमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है उसकी खास वैल्यू, ठीक है। ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सही थी इनकी अपनी जगह पे, बट इसके बाद एक और डेफिनेशन आई, वो जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास डेफिनेशन थी। इसमें भी बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी। इसमें क्या कह रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, इसने सिर्फ ये कहा। और यहाँ पे कह रहा है कोई भी चीज़ जो मनी के फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो मनी है, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन अप्रोप्रिएट हमारे पास नहीं थी। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन आएगी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसी में से मैं आपको बताऊंगा सारे ये दोनों डेफिनेशन उसके अंदर कवर हो जाएंगी, और जो हमारे पास फंक्शंस ऑफ मनी भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास था प्रोफेसर गॉर्दर, ठीक है, प्रोफेसर गॉर्दर। प्रोफेसर गॉर्दर कहते हैं एनी थिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and also performed the function of a standard of value स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू एंड स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है हमारे पास। प्रोफेसर गॉर्दर कहते हैं एनी थिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रोफेसर केन ने हमें बताया था कि एनी थिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें जो वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। पिछली डेफिनेशन को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, देख रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ये देख रहे हैं, ये इन्होंने क्या कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू का भी इन्होंने बता दिया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी अभी तक वही डेफिनेशन चल रही है पिछली डेफिनेशन की, वो कह रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है, वो मनी है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, कि वो किसी चीज़ की वैल्यू को भी मेजर रखती हो, वो किसी की वैल्यू को मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता हो, एक फिक्स स्टैंडर्ड हो, ठीक है, उन्होंने कहा। लेकिन इसने कहा स्टोरेज ऑफ वैल्यू, इसने एक और वर्ड एक्सचेंज कर इसमें ऐड कर दिया, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। इसने कहा कि सिर्फ मेजर करना मनी की फंक्शन नहीं है, डेफिनेशन में नहीं आता, बल्कि उसका स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कि वो किसी चीज़ की वैल्यू को भी स्टोर कर रहा। अब ऊपर आते हैं, मैंने आपको क्या कहा था पहले डेफिनेशन, कि कोई भी चीज़ जो मनी का जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो या मनी का फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो मनी है। तो आपने कहा कि बार्टर सिस्टम जो था उसमें भी हम फिज़िकल चीज़ देते थे, राइस देते थे, वीट लेते थे, तो वो भी मनी है, एक तरह से मनी हुआ ना, फिर वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम इजीली उसको एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हॉर्स था, काऊ वगैरह थी मेरे पास, चिकन थे, वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रही थी, मशीन्स थे, मैं भी दे रहा था, दूसरी चीज़ें ले रहा था, वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। लेकिन उसमें क्या था,
वो स्टोरेज ऑफ वैल्यू नहीं थी उनमें, ये क्वालिटी नहीं थी कि वो किसी भी, वो अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता था। यही डिफ़िकल्टी थी, हमने जब बाटा सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी क्या होती थी, किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करना बहुत मुश्किल था हमारे पास। हमारे पास हॉर्स है, हमारे पास काओ है, हम काओ रखी हुई हमने, इन फ्यूचर हम कह रहे हैं कि इसको मैं बेच के मैं इससे कोई काफ़ी चीज़ें लूँगा, या इन फ्यूचर मैं इसको किसी पर्पज़ के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि जो इसको मैं इन फ्यूचर अपने जो वो कोई बिज़नेस शुरू करूँगा तो मैं इसको बेच के उसके अपना बिज़नेस शुरू कर। अब इन फ्यूचर जाके उसकी हॉर्स की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, वही जो जैसे कि आज 10,000 का हॉर्स है तो इन फ्यूचर जाके भी वो 10,000 का रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसका एज फैक्टर बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, है ना। कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता जाता है तो वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। या इन फ्यूचर जाके किसी की जो है वो डिमांड वगैरह का भी इशू आ जाता है तो उसकी वजह से भी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो एक फिक्स वैल्यू नहीं रख सकती थी, ठीक है ना। लेकिन जब मनी आया तो मनी ने क्या किया, वो हर किसी की वैल्यू को सेव करता था। अगर उस टाइम मेरे पास हॉर्स है, अभी अब मैं चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर में जब बिज़नेस शुरू करूँगा उस हॉर्स को बेच के मैं उससे जो है वो बिज़नेस करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, अगर इन बार्टर सिस्टम अगर पीछे चला जाए तो मैं उसकी अगर रख देता हॉर्स को ही, तो इन फ्यूचर जाके वैल्यू उसकी कम हो जाती। बट मैं अगर उसको, अगर मनी सिस्टम होता, मैं उसको बेचता और उससे जो 10,000 मिलते वो मैं बैंक में रख देता, तो इन फ्यूचर जाके क्या वो 10,000 9,000 हो जाते? नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू काम कर रहा है ना, वो वैल्यू किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। ये फंक्शंस भी हमने आगे चल के फंक्शंस और मनी में हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, कि मनी के फंक्शंस क्या हैं, कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करती है, ठीक है ना। इससे पहले हमने बाटा सिस्टम में ये हमने पढ़ा था स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो प्रोफेसर गॉर्डन ने हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जाए, ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करने के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड हो और स्टोर ऑफ वैल्यू, और ये किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करता हो। सो ये थी हमारी दिन डेफिनेशन, होप सो कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ऑफ मनी, सॉरी फंक्शंस ऑफ मनी वगैरह। हमारे पास बाकी सारे आगे चैप्टर्स आएंगे और इंशाल्लाह सून इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, फिर कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी आज, जस्ट डेफिनेशन आपको समझानी थी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी टिपिकल थी और किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी जाहिर की बात है डेफिनेशन वगैरह हमें पढ़नी चाहिए। और ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी हमारे पास आता है। अगर ये लॉन्ग में आता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ मनी, तो आपको एक छोटी सी ये डेफिनेशन आप लिख दें भी सही है, मनी लिखा उसको थोड़ा डिफाइन किया उसके नीचे, फिर उसके फंक्शंस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जब आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए थे यही वर्ड इसके मनी के फंक्शन में आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन को अच्छे से समझें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पे आपको जो वो भी समझ में आ जाएगा। और मैं दूसरी बात बताता चलूँ आपको कि इकोनॉमिक्स के लेक्चर, POC, बिजनेस मैथ्स, अकाउंटिंग, 10-year सॉल्विंग, ये सारे लेक्चर्स चैनल पे अपलोड किए गए। उर्दू की जो न्यू बुक आई हमारी फर्स्ट ईयर की वो भी अपलोड किए गए, तो आप वो भी जाके देखें, चेक करें। होप्स हो कि आपके लिए कुछ कुछ आपकी हेल्प आउट हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफिज़। तो आओ यार।